भर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यूं ही किसी के वास्ते राहें कहां बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नमस्कार, खमा गणी केम चो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपको की वादे के अनुसार मैं लेके आ चुका हूँ अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी का टूर। मैं भी जहाँ खड़ा हूँ, दिस इज द गेट नंबर 1। सो प्लीज वेलकम गेट नंबर 1, द स्टार्टिंग विद जर्नी। आपको बताया इसके सामने ब्यूटीफुल सा पार्क है, आप आके बैठ सकते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे पार्क है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। प्लीज वेलकम। स्टेशन हम पहुंच चुके हैं, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो शानदार बिल्डिंग आपके पीछे खड़ी है। दिस इज इंटरनेशनल हॉस्टल, इज प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी हु आर फ्रॉम कंट्रीज एंड नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। सबसे बेहतरीन जगह सरदार स्मृति के नाम मेरे, आप जो इस तरफ देख रहे हैं, दिस इज द नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सरदार, जो मैंने आपको बताया ना सरदार स्मृति केंद्र, उसका हेड क्वार्टर है, मतलब जहां से मैनेजमेंट को टैकल किया जाता है, ये है सरदार स्मृति केंद्र। इसके अंदर आपको एक ऐसी पीसफुल जगह मिलेगी। जब मुझे, मैं आपको मेरी जर्नी बताता हूँ, जब मुझे क्लासेस के बाद थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा एंजाइटी, जब भी कुछ फील होता है वीक में, मैं यहाँ के बैठ जाता हूँ, मुझे यहाँ जितनी शांति का अनुभव होता है। आप इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी बुक्स रखी हैं, वो होलीज बुक्स हो, चाहे वो आपकी फिलोसफीज की बुक्स हो, गांधी जी के दिनचर्या से जुड़ी हुई बहुत सारी उनकी जीवन कथाएं भी इसमें लिखी गई हैं, बहुत सारे प्लांट्स भी इसके अंदर है रिजर्वेशन। और ये जो आप मेरे पास आस पास देख रहे हैं, ब्यूटीफुल ऑफ गार्डन, या मैनेजमेंट आते हैं उनके विजिटर्स। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी कॉलेज की अगली डेस्टिनेशन, यूनिवर्सिटी की सबसे बेहतरीन जगह यूनिवर्सिटी भवन। दिस इज द ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी भवन। यू सी अबाउट दैट, दिस इज द नियर पार्क्स आर अवेलेबल। सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन। सो मैं भी आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे पास परमिशन नहीं है अभी, आप बाहर से देख पाएंगे, ये बहुत बड़ा फैला हुआ कैंपस है। सो गो विद द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मेरी लाइफ की सबसे क्रुशियल जगह है जहां मैं अभी पढ़ रहा हूं, दिस इज माय कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री नवसारी कुछ। सो प्लीज वेलकम। फ्लोर चार्ज रहा, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ब्लॉक ए बी सी डी ई, मैंने डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कौन सा डिपार्टमेंट डी सर ऑफिस फर्स्ट में आता है, फिर हमारा क्लासरूम भी फर्स्ट नंबर ब्लॉक ए में है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने डिपार्टमेंट्स। चलो मैं आपको कैंपस दिखाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा बहुत कैंपस। दिस इज वेटरनरी स्कूल सरस्वती माता जी के लिए। तो चलते हैं थोड़ा सा दिखा देता हूं डिपार्टमेंट सारे यही वो सामने आ गए। प्रिंटिंग रूम, आर्म सर्वर,
तो मैं खड़ा हूँ मेरे कॉलेज की कैंपस की और दिखाता हूँ आपको कैंपस। दिस इज द मेन एंट्रेंस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ से जैसे राइट टर्न करेंगे दिस इज द क्लासरूम है, आपको दिखा देता हूँ। अवर क्लासरूम है ना, पीछे देख पा रहे हैं जैसे ब्यूटीफुल गार्डन आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। वो जो फ्रंट में आप देख पा रहे हैं ब्लैक जाली जो लगा हुआ है वो हेलीपैड है दरअसल कॉलेज का, है ना, यूनिवर्सिटी का हेलीपैड भी यही है, दरअसल एक यूनिवर्सिटी का ही हेलीपैड है। और वो जो आप बस देख पा रहे हैं वो हमारी क्लिनिकल बस है, हमारे सीनियर्स जाते हैं क्लिनिक में और चलते हैं बॉयज हॉस्टल की तरफ। अब मुश्किल नहीं कुछ भी। मेरा एंट्रेंस है दरअसल यहाँ से एंट्री है और ये है मेस। ओके अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी। ये लाइवस्टॉक रिसर्च स्टेशन है का मतलब हेडक्वार्टर कह सकते हो आप, ऑफिशियल वर्क जहाँ पर होता है एलआरएस का जो भी, और मेन फार्म पे मैं आपको ले जाता हूँ। ये है हमारा एलआरएस का जो आप देख पा रहे हैं यहाँ जो लिखा हुआ है बोर्ड के अंदर, ये दरअसल राशन या जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है जितने भी एनिमल्स हैं एलआरएस के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ प्लीज वेल। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये देखो ये जो जितनी भी पाउडर कट जाती है उसको बाद में इनको कल्टीवेशन किया जाता है मशीन के थ्रू, है ना, छोटे पीसेस के अंदर कट करने का वर्क किया जाता है जब भी ड्राई हो जाती है ना। नाउ एलआरएस के आप देख पा रहे हैं बोर्ड की तरफ प्रेग्नेंट बफेलो, ये जो बफेलो की ब्रीड है इसका नाम है सूरती। ये सूरती बफेलोज हैं, हाय कैसे हो, पूरा मैनेजमेंट है प्रॉपर वेंटिलेशन को प्रोवाइड किया जाता है आप देख पा रहे हैं। अगर इनको सन से सन हीट से बचना है तो नीचे की ओर आ सकती है अंदर की ओर, यहाँ ये फॉर्डर रखा जाता है। दरअसल क्या होता है ये पीकल फॉर्म में स्टोर किया जाता है एक लंबे टाइम तक, टोटल अमेरिका में जाना गोट की ब्रीड प्लीज कम। जैसा की हम दिखा रहा हूँ मैं आपको ऊपर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड ईवी ऑन गोट प्रोडक्शन, तो मैं आपको गोट दिखाता हूँ आइए प्लीज। आप देख पा रहे हैं छोटी साइज वाली अलग है, इनका फॉर्डर यहाँ पर है, इनको बार बार क्लीननेस भी किया जाता है इस हाउस को, न्यूट्रिशन वाटर सप्लाई आप देख सकते हैं प्रॉपर वाटर बोर्ड दिखाया मैंने, ये एक दूसरे के साथ इको फ्रेंडली रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। हेलो कैसे हो, बढ़िया मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा चलता देखोगे, मेरी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। होपफुल आई यू एंजॉय दिस जर्नी, मैं आपके साथ यहीं विदा लूंगा, मैं आप गेट नंबर 2 को आपको दिखा देता हूँ जहाँ से मैं एग्जिट लूंगा। थैंक यू, होप दिस एंजॉय जर्नी। आपने पूरा वीडियो देखा, होपफुल आपको वीडियो एंजॉय हुआ होगा। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ मेरे साथ ही जिसने पूरा कैमरा शूट किया, मेरा समझ लो पूरे वीडियो का सबसे ज्यादा जो काम किया वो इन्होंने किया है, राम प्रकाश मेरे क्लासमेट और मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड।